जय हिंद दोस्तों, मैं ही पीयूष। और इंग्लिश ग्रामर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे वो आपका पार्ट ऑफ स्पीच हो, चाहे टेंस, आर्टिकल, रीऑर्डरिंग द सेंटेंस, करेक्ट स्पेलिंग, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 20 नंबर की, बिल्कुल आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और इसमें मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ विद सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के साथ आपको पूरा बता डालूंगा, एक एक करके पूरा आपके यहाँ पर सॉल्यूशन कराऊंगा, पूरा बताऊंगा और आपको समझाऊंगा भी, ठीक है। और आप लोग साथ ही साथ मेरे साथ साथ क्या करोगे, कमेंट करते चलोगे। जैसे मैं पढ़ूंगा ये फर्स्ट वाला कि आई ऑलवेज गो टू द पार्क ऑन द वीकेंड्स, ठीक। तो ये देखो जो पार्क है यह क्या है, नाउन प्रोनाउन, उसके बाद वर्ब या फिर एडजेक्टिव। तो आप मुझे कमेंट में बताओगे कि आखिर यह क्या है। तो चलो हम शुरू करते हैं। और उससे पहले बता दूं कि जब थोड़ी देर बाद आपको जो पेपर है उसमें, आपके पेपर में जब यह वीडियो देख रहे हो तो आपके 12 घंटे बचे हो सकते हैं, नहीं तो 10 घंटे बचे हो सकते हैं, नहीं तो 5 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, कुछ भी आपके पेपर में बचे हो सकते हैं। लेकिन आपको ये सारे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भाई, आपको तैयार करके अच्छे से जाने। देखो जो पहला क्वेश्चन है, आई ऑलवेज गो टू द पार्क ऑन द वीकेंड। अब देखो यहाँ पर नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, वर्ब होगा या फिर एडजेक्टिव। मैं आपको टाइम देता हूं 10 सेकंड का, आप लोग बताओ मुझे क्या होगा इसका सही उत्तर, क्या होगा। सभी लोग कमेंट कर दो, मैं देख रहा हूँ काफी सारे कमेंट आ रहे हैं, तो आप सभी लोग कमेंट करो क्या होगा। आई ऑलवेज गो टू द पार्क ऑन द व्हेन, कब पार्क जाता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा दोस्तों, यह नाउन होगा। क्या होगा, नाउन। अब यही नाउन पर टिक लगा दोगे तो चलो हम इसके से लगा दें, थोड़ा अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं अपना सेकंड। देखो सेकंड क्या है, और जिन्होंने नाउन लगाया होगा उनका बहुत ही सही, वो सही जा रहे हैं, उनका सही है पहला। अब जब पहली शुरुआत एकदम सही हो गया तो अब तो एकदम धड़ाधड़ पूरा आप सॉल्व करते चले जाएंगे। देखो जो सेकंड है, हाउ मेनी हॉट डॉग डिड यू फ्रेंड ईट स्टडी, वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब प्रोनाउन, बताओ क्या होगा इसमें से, क्या होगा इसका मुझे सही आंसर दो। देखते इसका कितने लोग सही उत्तर देते हो, आपने उसका तो दे लिया, अब इसका दो। How many hot dogs did your friend eat? Eat पे लगा अंडरलाइन, yesterday. क्या होगा, तो यह होगा एडवर्ब, क्या होगा एडवर्ब होगा। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा आगे, हर फादर फ्लाइज टू मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड बिकॉज ही इज ए पायलट। अब देखो उसके पिता ने, हर फादर फ्लाइज टू मेनी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्री फ्लाई की, बहुत सारे देश उड़े, बिकॉज क्योंकि, इसलिए बिकॉज ही इज ए पायलट, वह एक पायलट है। तो इसमें क्या होगा, वर्ब एडजेक्टिव नाउन एडवर्ब। अब देखो फादर पर अंडरलाइन है, फादर क्या है वहां पर एक कर्ता के रूप में व्यक्त हो रहा है, मतलब एक क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है, यह एक नाउन होगा। नाउन कहां पे, ये सी वाला है, यह सही जाएगा, ठीक। अब इसके बाद चौथा बढ़ते हैं, चौथा हमारा, जुलाई इज माई फेवरेट मंथ, जुलाई इज माई फेवरेट मंथ ऑफ द ईयर, पूरे साल का जो मेरा फेवरेट मंथ है, फेवरेट महीना है, वह जुलाई है। तो इसमें ये जो फेवरेट है या क्या होगा, एडजेक्टिव वर्ब नाउन एडवर्ब। देखो यहां पर क्या हो रहा है कि यह क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव इज एन वर्ड विच क्वालिफाई ए नाउन आर प्रोनाउन, मतलब नाउन या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। यहां पर देखो क्वालिटी क्या बता रहे, फेवरेट है मेरा, क्या है, फेवरेट है मेरा, पसंदीदा है। तो जुलाई इज माई फेवरेट मंथ, यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। देखो हमारा नेक्स्ट क्या है, इसको देख लेते हैं, पांचवा। देखो हमारा जो पांचवा है, हाउ मेनी हॉट डॉग डिड योर फ्रेंड ईट स्टडी, यार ये तुमने वही लिख दिया का, सेम लिख दिया ये तो, चलो इसको जाने दो। अब बढ़ते हैं छठवे पे, तो छठवा जो हमारा है वह है, दोज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, हाउ मच डू दे कॉस्ट। देखो क्या कहा जा रहा है, दोज फ्लावर आर वेरी ब्यूटीफुल, यह जो फूल है, ये जो पुष्प है, फूल है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, हाउ मच डू दे कॉस्ट, इनकी कॉस्ट क्या है, इनकी कीमत क्या है। अब बताओ ये एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन है, एडवर्ब, इसमें से क्या होगा, बताओ आप लोग इसमें से क्या होगा। तो आप लोग के ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, आप लोग बताओ जल्दी से कि यह क्या होगा, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल है, ठीक है, ब्यूटीफुल है। तो बताओ भाई ये क्या होगा, ये छठवा वाला, ये होगा आपका एडजेक्टिव, क्या हो जाएगा आपका, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ये क्वालिफाई कर रहा है किसी नाउन या फिर प्रोनाउन के। उसके बाद है, सी हैज डैश डैश टू द पार्टी, सी है गो टू द पार्टी, वेंट टू द पार्टी, गॉन टू द पार्टी, गोइंग टू द पार्टी। तो सी हैज गॉन टू द पार्टी, सी
सी हैज गॉन टू द पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं जितने बता रहा हूं ना 100% आपको तैयार रहे चाहिए। ये मत कहना कि हाँ भैया हमको एक याद है, हमको दो याद है, हमको 10 याद है, हमको दो नहीं याद है, चार नहीं याद है, ये सब बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। जितने मैं बता रहा हूं आप याद कर लो, याद नहीं होता तो आप वीडियो को 2-3 बार देख लो, आपको याद हो जाएगा, यह मेरी गारंटी है। ठीक है, देखो आठवां जो है दोस्तों, आठवां है आपका भाई, आठवां है एवरी बॉय एंड गर्ल डैश डैश इन द क्लास टूडे। Every boy and girl are present, is present, have present, had present. तो बताओ प्रत्येक बॉय और गर्ल, प्रत्येक लड़के और लड़कियां प्रेजेंट हैं क्लास में। ठीक, तो क्या लगेगा, इज लगेगा कि आर लगेगा। अब जब कह रहे हैं एवरी बॉय एंड गर्ल, क्या लगेगा बताओ, यहां पर आपको ये लग रहा होगा कि इसमें आर लगेगा, लेकिन यहां पर इज लगेगा, एवरी बॉय एंड गर्ल इज प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक, आगे देखो हमारा नौवां, नौवां है Neither of the painting dash dash sold. Neither of the painting have been won or was. बताओ क्या होगा नौवें का, क्या होगा Neither of the painting dash dash sold. तो नौवां क्या हो जाएगा, was sold. ठीक, ये was वाला हो जाएगा। फिर देखो दसवां है The news dash dash not updated timely. The news dash dash not updated timely. The news is not updated timely. क्या हो जाएगा दसवें का, ये वाला is हो जाएगा, The news is not updated timely. इसके बाद देखते हैं आगे। अब देखो दोस्तों उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद है I want to buy dash dash laptop computer next week. I want to buy. अब यहां पर क्या लगेगा, ये सब जितने बता रहा हूं भाई अच्छे से आप लोग तैयार क्यों नहीं करते हो, तैयार करो पूरा जितने बता रहा हूं। आप ये मत सोचो कि आएगा नहीं आएगा, 100% है आएगा ही आएगा, आपको जितने मैं ऑब्जेक्टिव करा दे रहा हूं ना इससे बाहर नहीं आने वाला है। अब ये मत सोचना कि सिर्फ इसी वीडियो का आएगा ऑब्जेक्टिव, और भी मैं लाऊंगा, उसको भी आपको देख के जाना है। तो देखो लेकिन मैं एग्जाम से पहले सब कुछ ला दूंगा, तो उसकी चिंता मत करना कि कैसे होगा कैसे नहीं, हमें टाइम नहीं मिलेगा लर्न करने का, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो 11 नंबर जो हमारा है आई वॉन्ट टू बाई डैश डैश लैपटॉप कंप्यूटर नेक्स्ट वीक। तो आई वॉन्ट टू बाई ए लैपटॉप और कंप्यूटर नेक्स्ट वीक। अब इसके बाद देखो हमारा 12 नंबर है। अच्छा आप लोग को मैं टाइम नहीं दे रहा हूं क्या कि आप कर लो कमेंट सही से, चलो मैं दे देता हूं। He know how to treat dash dash lady. He know how to treat क्या a the no article a। अच्छा बताओ बताओ आप लोग, आप लोग बताओ क्या होगा। He know how to treat dash dash lady. He know how to treat a lady. How to treat the lady या फिर no article कोई नहीं लगेगा या फिर a lady। अच्छा 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 हमने क्या किया है, हमने क्या किया है, यहाँ पर दो दो ए लिख दिया है क्या, हमने दो दो ए लिख दिया है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बताओ क्या होगा, ये ए होगा आपका, तो इसको एन में बदल देना, एन में तब्दील कर देना। ठीक है, दे यूजली स्पेंड दियर हॉलीडेज इन डैश डैश माउंटेन। दे यूजली स्पेंड दियर हॉलीडेज इन डैश डैश माउंटेन, इन ए माउंटेन, एन माउंटेन, द माउंटेन, नो आर्टिकल। बताओ He usually spend their holidays in, क्या लगेगा इसमें, ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा या फिर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। तो he usually spend their holidays, वह ज्यादातर अधिकतर अपना हॉलीडे स्पेंड करते हैं, दे स्पेंड अधिकतर अपना हॉलीडे स्पेंड करते हैं इन द माउंटेन्स। अब कोई प्लेस वगैरह तो वहां पर द ही लगेगा ना यार, कोई स्थान है जैसे माउंटेन है कोई चीज है तो इसमें द ही लगेगा, इसमें ए माउंटेन ये नहीं। ठीक, अब देखो आ जाता है आपका रीऑर्डर द सेंटेंस। इसमें क्या करना है आपको, रीऑर्डर करना है, मतलब एक बेढंग से दिया है आपको ढंग में करके लिखना है, बेढंग से दिया है आपको ढंग में करके लिखना है। जैसे है रोजेस, फिर स्लैश रेड, फिर स्लैश द, फिर स्लैश इन, फिर स्लैश गार्डन, फिर स्लैश माई ब्यूटीफुल आर। ये सही लग रहा है, रोजेस द, रोजेस रेड, द इन गार्डन, माई ब्यूटीफुल आर, ये लग रहा है किसी तरीके से, नहीं लग रहा है तो ये कैसे बनेगा। देखो चार ऑप्शन है आपके पास, तो देखो पहला है माई रेड रोजेस आर ब्यूटीफुल इन द गार्डन, या फिर रेड रोजेस इन माई गार्डन आर ब्यूटीफुल, इन माई गार्डन रेड रोजेस आर द ब्यूटीफुल, द रेड रोजेस इन माई गार्डन आर ब्यूटीफुल। तो आपको देखो इसमें जब आप पढ़ोगे तो आपको सब एकदम सही लगेगा, लगेगा कि नहीं अब हमने बहुत अच्छे से कर लिया है, हमको भाई सब सही लग रहा है। ठीक है, लेकिन यहां सब सही नहीं है, इसमें से एक सही है जो कि आपका ये वाला, द रेड रोजेस इन माई गार्डन आर ब्यूटीफुल, इस पर हम टिक लगा देंगे। ठीक,
बाकी दोस्तों देखो, ये आपको ओएमआर शीट में भरना है, ऐसे कोई टिक वगैरह नहीं लगाना है, आपको ओएमआर शीट में भरना है। तो आप ओएमआर शीट बहुत ही अच्छे से करके आओगे, और जो भी पास नहीं हो पा रहे, मतलब जिनको डर है कि यार मैं कैसे पास होऊंगा, मैंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, उनके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाया हूँ, तो आप उसको जाकर देखो, आप समझो कि कैसे आप पास होगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा डू नॉट टाइम वेस्ट प्रीसियस योर, बताओ क्या होगा, आप लोग कमेंट करो, जल्दी से करो कमेंट, ठीक है। डू योर प्रीसियस टाइम नो वेस्ट, डू नॉट योर प्रीसियस टाइम वेस्ट, डू नॉट वेस्ट योर प्रीसियस टाइम, योर प्रीसियस टाइम वेस्ट डू नॉट। तो देखो ये कैसे होगा, तो इसका हो जाएगा कैसे होगा, कैसे करोगे, डू नॉट वेस्ट योर प्रीसियस टाइम, ये होगा आपका डू नॉट वेस्ट योर प्रीसियस टाइम, अपना कीमती समय बर्बाद मत करो, ये भी आपसे कह रहा है, मैं भी आपसे कह रहा हूं, अपना कीमती समय, इतना ज्यादा कीमती समय आपको बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक। तो आप लोग पढ़ाई करो ढंग से, जो भी करना है आपको वो करो, ठीक, वेस्ट मत करो अपनी। अब देखो इसमें पूछा गया है कि विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, मतलब इसमें से कौन से वर्ड की स्पेलिंग है जो कि एकदम करेक्ट है, बताओ इसमें से कौन से वर्ड की स्पेलिंग एकदम करेक्ट है। डेफिनेशन, अटेंशन, एक्सरसाइज, डिवीजन, इतना बारीकी से इसमें हटाया गया है कि आप पहचान नहीं सकते। तो ये जो डिवीजन है यह बिल्कुल ही सही है स्पेलिंग, लेकिन बहुत से बच्चे क्या करेंगे, डिवीजन पे टिक मार देंगे कि यह गलत है, तो वह उनका गलत हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें भी वैसे ही मांगा है, देखो इसमें उसी तरीके से शब्द दिए गए हैं, इसमें तो क्या था, खैर सब अलग अलग थे, लेकिन इसमें क्या क्या सब एकदम खिचड़ी बना के दे दिए हैं। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, सर्वेंट 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 सर्वेंट, सही स्पेलिंग क्या होगी, सही स्पेलिंग होगी एस ई आर वी ए एन टी, ये वाला सही हो जाएगा। देखो उसके बाद हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिलेक्ट द वर्ड विच करेक्ट स्पेलिंग, सिलेक्ट द वर्ड आपको सिलेक्ट करना है विच करेक्ट स्पेलिंग के साथ, बेनिफिटेड और बेनिफिटेड बेनिफिटेड बेनिफिटेड, इसमें भी ऐसे खिचड़ी बना दिए, ठीक। तो ये देखो ये सब आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो आपका ये है इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी, बी ई एन आई एफ आई टी टी ई डी, तो देख लो यही आपका इस स्पेलिंग से यही वाला मैच हो रहा है, यही सही होगा। इसके बाद चल, इसके बाद आप लोग इसको बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, मैं छोड़ ही दूंगा, मैं बताऊंगा ही नहीं, आप बताओगे ताकि मुझे पता भी लग जाए कि हाँ कितने बच्चे लास्ट तक वीडियो देखे। बहुत से लोग क्या होते हैं, वीडियो नहीं देखेंगे पूरा, बाद में कहेंगे भैया आपने जो बताया था आया ही नहीं, तो भैया जब आप उसको पढ़ेंगे नहीं तो आएगा कैसे, तो बताओ मुझे पता, आप चाहे गलत बताओ सही बताओ, लेकिन बताना ताकि मुझे पता लग जाए कि हाँ आप लास्ट तक वीडियो देखते हो। कमेंट प्लीज आप लोग करना। देखो सेमेस्टर 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 सेलियस क्या होगा, इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर आपको बताना है, ठीक, इसका सही उत्तर क्या होगा, फिर कुछ भी आप कमेंट कर देना कि मैंने लास्ट तक वीडियो देखी है, आप कमेंट कर देना तो मैं जान जाऊंगा। अगर ना भी इसको करो तो आप ये कमेंट कर देना कि भैया मैंने लास्ट तक वीडियो देखी है, आपका वीडियो आधे पर छोड़ के नहीं गया, और जो भी लास्ट तक वीडियो देख रहा है मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वह बहुत ही अच्छे नंबर लाएगा। देखो 20वां क्वेश्चन है कि फाइंड आउट करेक्ट स्पेलिंग, एक ग्रेट राइटर, एक ग्रेट राइटर, एक ग्रेट राइटर कौन थे, विलियम शेक्सपियर थे। तो देखो इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग पता करनी है, तो कैसे करोगे, कौन से उनकी स्पेलिंग होगी, यस एच ए, अब देखो यस एच ए ढूंढ सब में है, अब क्या है उसके बाद के ई एस, के ई एस इसमें है, के ई एस इसमें है, के ई एस इसमें है, इसमें के एस, मतलब ये तो गलत हो गया सी वाला, ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद क्या है, पीई आई आर, पीई पीई यहां भी है, पीई यहां भी, यहां भी है, आई देखते हैं आई यहां पर नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी, ये देखो पीई आई आर विलियम शेक्सपियर, ठीक, ये आपका चलो जाकर डी वाला विलियम शेक्सपियर, तो यह सही हो जाएगा। आप देखो क्या करो कि जितने मैंने आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए, इन 20 एमसीक्यू को अच्छे से तैयार कर लो। अभी मैं एक और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें और मैं आपके ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, और रात में जो लाइव क्लास आपके 7 बजे की रहती है उसको आप मिस मत करना, उसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे मैं कवर करा दूंगा, तो वह आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, उसको आप पढ़कर जाना। बाकी हाँ आप लोग बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप इंग्लिश में बहुत अच्छे से करके आओगे, और इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर चाहिए। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो कंटेंट जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ उतने पढ़कर जाओ, आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।